ऑस्ट्रेलिया में देखी गई नए घरों की बिक्री में गिरावट। जून के महीने में ऑस्ट्रेलिया के तमाम बड़े शहरों में देखी गई नए घरों की बिक्री में भारी गिरावट। साल 2013 के बाद इस वर्ष सबसे ज़्यादा गिरावट को महसूस किया गया नए घरों की बिक्री में, और इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया में कई नई नीतियाँ लागू हो रही है जिसके चलते घरों के दाम में उछाल देखा गया है। प्रगति मैदान को किया जाएगा रीडेवलप। केंद्र सरकार ने प्रगति मैदान को दोबारा से विकसित करने की मंजूरी दे दी है। इस जगह को विकसित करके एक विशाल विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर में तब्दील किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है 1,677 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग 250 से 300 लोगों की आवश्यकता होगी। कंज्यूमर फोरम ने लगाई बिल्डर को फटकार। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने मोहाली में स्थित बाजवा बिल्डर को ये आदेश दिया है कि घर खरीदार से लिए हुए 10 लाख रुपये वे तुरंत उन्हें वापस लौटाएं। साल 2011 में संजय शर्मा ने बाजवा डेवलपर से घर खरीदा था, मगर 6 साल के बाद ही उन्हें अपना घर नहीं मिल पाया है। महाराष्ट्र में हुए अभी तक सबसे ज़्यादा रेरा रजिस्ट्रेशन। रेरा नियमों के अंदर सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक महाराष्ट्र में देखे गए हैं। सोमवार रात तक कुल मिलाकर 9,000 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन देखे गए हैं। रजिस्ट्रेशन की रेस में महाराष्ट्र सबसे आगे है, और अभी तक कई ऐसे भी राज्य हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की गई है। महारेरा अधिकारियों का मानना है कि 31 जुलाई की रात तक 10,000 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हो जाएंगे। कर्नाटक रेरा में रजिस्टर हुए 990 प्रोजेक्ट्स। रेरा रजिस्ट्रेशन के आखिरी दिन कर्नाटक का रेरा के अंदर करीबन 990 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए। बहुत से डेवलपर ऐसे हैं जिनका मानना है कि रजिस्ट्री की आखिरी तारीख को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए था। एक हफ्ते पहले ही कर्नाटक रेरा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया था, और ऐसे में इतने कम समय में सभी प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करना बेहद मुश्किल कार्य है।